कितनी गर्मी है। एक एलबम तो उन्हें कितने लोग कहते थे। और ये प्यारा सा नाश्ता, प्यारी सी बीवी के हाथों का सुबह, ये चावल गुड़िया का अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फैजम की दुनिया। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? कोई नहीं, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, सेम है, विश कर रहे हैं हम। तो हमें स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। शुरुआत की है आपने, बात बोली है, बात एक सामने वाले की शायद ये मेरे पति बहुत ज्यादा बोलते हैं। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, गुड नाइट, गुड इवनिंग बोलो, गुड नाइट। तो एक्चुअली हमारा सोना का टाइम है, हमें पता ही, हम बहुत लेट सोते हैं सुबह में, खासकर मैं और मुस्कान। ये तो सो गए थे आराम से टाइम पे, अपने टाइम पे तो फिर 3:30 बज गए, 3 के आसपास हो रहा था, तो इसलिए हम थोड़ा लेट उठे। तो अभी काम वाम सब हो गया है, घर में काफ़ी मेहमान आए हैं, तो अभी आज भी ये नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अभी मैं तो कुछ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फटाफट, फिर कुछ मेडिसिन है वो ले लेती हूँ, उसके बाद आज मैं जाऊँगी छत के ऊपर। कब से मैंने बोल रखा है आपको कि मुझे एलोवेरा तोड़ देना, फेस पे लगाऊंगी। तो अभी मैं 5 मिनट में छत के ऊपर जाऊँगी और मैं गर्मी दिखाऊंगी। इतना बुरा हाल है ना सच में गर्मी से, अभी सिर्फ मई चल रहा है, एंड है, अभी सोचो जून जुलाई अगस्त में क्या होगा, पता नहीं अल्लाह जाने क्या होगा। और उनसे पूछो जो रोडों पे काम करते हैं, अल्लाह बारिश करवा दे, एक दिन छोड़ के रोज़ बारिश करवा दे, एक दिन छोड़ के फिर रोज़ बारिश करवा दे, तो गर्मी का पता ही नहीं चलेगा हमें। तो मैं आपसे 2 मिनट में मिलती हूँ फिर से। तो मैं अभी यहीं से वीडियो स्टार्ट किया है मैंने, बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा अभी जितना भी रूटीन है मैं अभी से लेकर रात तक वो मैं शूट करूँ और ताकि कल अपलोड करूँ इससे। तो मिलती हूँ मैं आपसे 2 मिनट में फिर से, बाय। और हम सब बहुत थोड़ा सा, मैं तो नहीं बाकी सब बहुत सोच रहे हैं, तो अपना रंग थोड़ा डाउन करते हैं, जिससे ज़्यादा रंग हो चुका है, जैसे अभी रंग वाला। कहाँ गया अभी, कहाँ जा रहे हो? हम छत पे आए हैं अभी, मैं तो कब से नहीं आई हूँ। अल्लाह कितनी गर्मी है, ये किसे डाला यहाँ पे? और ये सुंदर सा बगीचा, ये किसने यहाँ पे किसने लगाया है? यस यस, सुबह मैंने पानी डाला थोड़ी देर पहले। ओ तेरी क्या बात, लेकिन वहां से यहाँ किसने किया मुस्कान? जल्दी कर, हाँ सही लग रहा है आपको? दिमाग खराब है, लो कपड़ा काटो, ज्यादा काटो यार, इसकी वीडियो दिखेगी। सॉरी नहीं, इतना काटना कि वेस्ट ना जाए। अरे ऐसे क्यों काट रहे हैं? ऐसे काटते हैं ना, अच्छा ऐसे काटते हैं, पूरा पूरा वैसी वैसी। नहीं नहीं नहीं, नीचे से काट, मुझे काटो, जड़ से मत काटना। नहीं जड़ से नहीं, हाँ जहाँ से काटा था वहीं से काटो। हाँ मुझे क्या पता लग रहा है काटते हैं, मोटी लगा रहे हो बच्चा, मतलब आपने ऐसे क्यों काटा फिर? लो ना खूब लगाओ, पहले आप लगाओ क्या, नीचे चलो यहीं लगाओ, ये क्या चलो मुंह पे बस एक लो मेरे लगाओ, चल झूठा थोड़ी करना है, आधा काट के दे दो, दे दो उसका आधा काट, चलो अब ये कौन लगा रहा है? चल भाई से बहुत गर्मी वाला मुस्कान चला, मुझे तो अभी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एक एलोवेरा तोड़ने के सारे लोग कहते थे, झुंड का झुंड, पता हम छोटे थे ना इस धूप में इतना खेलते थे, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप लोग तो ऐसे भाग रहे हैं ना, अब बजा बजा, कह रहा हम जंग जीत के आ गए है ना अभी। ये देसी मिक्सी टाइम लग रहा है, इसमें बस मुझे आ रहा है, ये देखिए ऐसा मुझे कम तो नहीं है, नहीं नहीं अम्मी बहुत अच्छा ठीक होगा, मैं इससे मोटा मोटा काट रही थी, मुझे भी कह रही हूँ मौके मिल रही है। और रात का डिनर हमारा अभी से रेडी हो रहा है 5 बजे। हाँ गुड मॉर्निंग, और ये नेक्स्ट डे है जो सुबह हो चुकी है, सुबह के 5 बज रहे हैं,
मगर हमें नींद नहीं आ रही थी तो हम दोनों छत पे आए थोड़ा सा वॉक करने के लिए, जब तक फैजल भी आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि नींद से अच्छा ही थोड़ा चल लेती हूँ मैं, तो अच्छा होगा। और कुछ कपड़े थे यहाँ जो कल धोए थे, तो उसने कहा था छत पर डाल भी देती हूँ मैं। और ये हमारा छोटा सा बगीचा है, हमारा नहीं किसी और का है वो, मगर बहुत प्यारा है। हम सब सो रहे हैं, कोई नहीं जगा हुआ है इस साइड में, तो कोई भी नहीं जगा हुआ है। मगर कहीं और रोड पे निकल जाओ आप तो आपको सब कोई ना कोई दिखेगा ही जगह हुआ। बज भी तो सुबह सुबह 5 रहे हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा है। जब किसी की आवाज़ ना आए और साउंड बहुत कम आए तो मतलब दिमाग को कितना रिलैक्स सा वो मिल गया आपको, एक पॉजिटिव वाइब से आ जाती है कि हाँ आप बहुत अच्छे एक वेदर में रह रहे हो जिसका आपको मज़ा आ रहा है रहने में। बट ये 2 घंटे बाद ही इसका नज़ारा कुछ और होगा। ये देखो सरदारन कहाँ है, और इसके उसके बाद हम सो जाएंगे कुछ करके। मैं सबसे पहले का वेट कर लेती फिर उसके बाद सोऊंगी मैं। हमारी शिफ्ट का हम नाइट शिफ्ट करते हैं, डे शिफ्ट कोई और, डे शिफ्ट कोई और करता है, फिर हम दोपहर का भी शिफ्ट कर लेते हैं, इवनिंग शिफ्ट से रूटीन चलता है हमारा। बट मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ऐसे सर्दियों में ज़्यादातर 5 बजे तक होता नहीं है इतना उजाला, लेकिन अभी बिल्कुल लग नहीं रहा है, 5 बज रहा है। ऐसा लग रहा है सुबह के 6-7 बज रहे हैं ऐसा लग रहा है। हम इस टाइम में जो छोटे थे स्कूल के रेडी होते थे 5:30 बजे, 6 बजे पहुँचना होता था। चलो मैं वेट करती हूँ फैजल का, उसके बाद ही सोऊंगी उनके आने के बाद। आज मैं वेट कर लूँगी, नहीं मतलब उधर वॉक करके आएंगे ना पार्क से, अभी 5:30 बजे बे, 5:30 बजे नहीं तो फिर थोड़ी देर मिलती हूँ मैं अगर मैं जगी रही तो उनके साथ, वरना फिर मैं आपसे दोपहर में मिलूँगी। ऐसे आज हमारे पास बहुत सारे काम हैं। सुबह के बज रहे हैं 8, मेरे को ऑफिस आए हुए लगभग 1-1.5 घंटा हो गया है, और अपनी सास से मैं बहुत देर तक बात करता रहा, मम्मी ये मम्मी वो मम्मी ये मम्मी वो। अभी खाना तो आई नहीं है घर पे, और स्पेशल क्या बनता है, सब स्पेशल ही है हमारे लिए। तो गुड़िया बना रही है आज ब्रेड पकौड़े। रेसिपी वगैरह तो जो है वो कॉमन है, सबको पता ही है, कोई स्पेशल रेसिपी तो है नहीं, लेकिन हमारे बनाने का तरीका कुछ अलग है। हम उसमें बातों का तड़का लगा देते हैं ना गुड़िया। नींद तो आ रही है, लेकिन क्या करूँ, आप इतने प्यार से बना रहे हो तो बिना खाए सो ही नहीं सकता, भले ही 10 बज जाए। लेकिन आपको छील कर रख लेना चाहिए थे रात में, आप छत पे भी छील सकते थे आलू बैठे बैठे। चलो कोई नहीं जाए तो मैं छिलवा देता हूँ। और एक प्यारा सा नाश्ता प्यारी सी बीवी के हाथों का, सुबह ही सुबह नींद खराब, 2.5 घंटे की नींद खराब करने के बाद पार्क में सुबह मैं पार्क में सुबह दौड़ता हूँ कि पेट कम होगा, और घर आके नाश्ता मिलता है मुझे। आज मैं चलो कोई नहीं, चाह लेंगे थोड़ा तो कल, थोड़ा और कल दौड़ लेंगे। और टाइम हो रहा है 4:30 के 4:45 ही बज रहे हैं। अभी सोते तो हमें 10:30-11 बज गए थे। ऐसा लगता है कि मैं तो जागता ही हूँ ऑफिस के काम से, और इवन मुस्कान और गुड़िया पूरी रात निकल जाती है सुबह, वो लोग भी मेरे साथ लगभग 10-10:15 बजे जाके सोए हैं। उतना तो थोड़ा लेट मैं, लेकिन एसी सर्विस के लिए आ गया तो भाभी की और क्या नाम मम्मी का एसी सर्विस हुए हैं, मैं भी करा लेता, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं थे जो स्प्लिट एसी के लिए चाहिए होते हैं। हाँ तो मैं आपसे कह रहा था कि टाइम हो रहा है इस टाइम 4:45 बज गए हैं। एक्चुअली मैं फर्स्ट फ्लोर पे किसी के पास 2-3 मिनट के लिए बैठ गया था। अभी चलिए गुड़िया के लिए जो है मैं सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, उसका सामान पता नहीं कहाँ रख के भूल गए ये लोग, चलिए लेके आता हूँ। ये चावल गुड़िया का अच्छा रखते हैं, ये भी हैं ये भी हैं। गर्मी से बुरा हाल, लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर में पंखे में सो रहे हैं, बताओ गेट। लेकिन एक सुकून वाली चीज़ हुई है, एक मिनट उठने 4 घंटे लगते हैं कि मौसम और लग रहा है बारिश वाला, मगर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, गला बारिश करवा दे बस। इतनी गर्मी होगी तो बारिश ही होगा और क्या होगा। करते हैं बे, कहा गया पी गए, मेरे बिना कैसे पी सकते हो आप। हाँ पीने का आता हूँ, कैसा फील हो रहा है आपको।
तन मन ठंडा हो गया होगा। ऐसे लग रहा है इसे ज्यादा गर्मी लगा तो साढ़े छह बज रहे हैं अभी। खाला को लेने इतना बहुत गर्मी थी ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ क्या पेड़ के नीचे हवा चलती है, पसीने आते हैं तो ठंडिया लगती है। और गुड़िया वहाँ पर ट्वेल चल रही थी बड़ी बड़ी, नहा लेते पूरा पानी जितनी ट्वेल थी सारी में पानी नहा लेते। क्या नहा लेता इतनी देर की जगह, एक बार आप नहाए थे मुझे पता है, मैंने फोटो देखी थी बहुत सारी।